क्यों डिप्टी सीएम बदलना पे इस बारे मैं नहीं जानता। पीडीपी ते बीजेपी 2019 जनता विचकार इकट्ठे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का जो यात्रा करना चाहते हैं अमरनाथ, मैं उन्होंने अपील करना चाहता हाँ, तुहानू पूरी सुरक्षा फराहम की जाएगी और बेफिक्र होकर आओ। जी सीजफायर होंगे दो कंट्री के बीच होंगे, ना कि मिलिटेंट्स नाल, लेकिन उधरों गोली आएगी तो 10 गोलियां नाल जवाब दिया जाएगा। बैटर सीएम तुहाडी नज़र कौन सा, मुफ्ती मुहम्मद साहिब या महबूबा मुफ्ती इस वे काम जो कर रहे? जम्मू कश्मीर दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज की सरकार है, 3 साल उत्थे पीडीपी ते बीजेपी का जो अलायंस है वो पूरा हो चुका है। 3 सालों तो बाद उत्थे डिप्टी सीएम बदले, इस वेले बीजेपी के सीनियर नेता और जो हुण डिप्टी सीएम ने कविंदर गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी साढ़े नाल इस वेले दैनिक सवेरा के स्टूडियो मौजूद ने और असी उन्हां नाल पंजाबी इंटरव्यू कर जा रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी, तुहाडा दैनिक सवेरा बहुत बहुत स्वागत है। मेयरशिप तो शुरू हुए, यानी कि तुसी वर्कर के तौर पर शुरू की राजनीति, कौंसलर, मेयर और अज तुसी डिप्टी सीएम हो, किवें दा रहा तुहाडा राजनीति का सफर? मेरी राजनीति उस दिन शुरू हो गई सी जिस वेले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में एमरजेंसी लगाई सी। इस तो पहला भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा विच अक्सर जाया करता सी। मेरा सारा जो पढ़ाई का टाइम है वो पंजाब गुजरिया, चाहे वह फिरोजपुर से, संगरूर से या गुरदासपुर से, ज़्यादा मैं मेरी पढ़ाई इत्थे हुई। तो लगातार जो 1975 मैं 13 महीने पटियाला जेल तो गुरदासपुर जेल से रहने का मौका मिलया, उदों इत्थों के जिहड़े पंजाब के लीडर सन, उस वेले जनसंघ सी, बाबू हिता बिलाशी लुधियाना दे सी, प्रोफेसर विश्वनाथन होया करदे सन, वीर यज्ञदत्त शर्मा वगैरह, डॉक्टर बलदेव चावला अमृतसर तो, अपने डॉक्टर बलदेव प्रकाश जी, इन्हां दे साये च मैनूं रहिण दा मौका मिलिया ते बहुत कुछ सिखिया उस दौरान जी। लगातार उदों दा फिर उस तो बाद मैं जम्मू कश्मीर चला गया ते राजनीतिक जीवन उत्थों शुरू होया। 3 साल दा टेन्योर जिहड़ा पीडीपी ते बीजेपी दा कंप्लीट होया, उस तो बाद तुसीं डिप्टी सीएम दी कुर्सी ते बैठे, क्यों डिप्टी सीएम बदलना पिया? उस वेले डिप्टी सीएम दी कुर्सी तुहानूं मिली जदों कठुआ रेप नूं लैके एक पोलिटिकल जिहड़ा स्ट्रॉम आ गया सीगा जम्मू कश्मीर च वी, कारण क्यों रहा कि डिप्टी सीएम? ऐसा कुछ नहीं है, बदलन दी नीयत की सीगी? नहीं, इस बारे मैं नहीं जानता। तो मैनूं जदों पार्टी ने एक अहुदा दित्ता स्पीकर दे नाते काम करन दा, ते मैं उसनूं निभाउण दा कोशिश कीती ते सारियां पार्टियां नूं नाल लैके ते मेरा एक प्रयास रहा। अज भी तुसी पूरी 3 साल दी विधानसभा विच, और मैं तुहानूं दसना चाहना इस तो पहला मैं कभी विधानसभा दे अंदर घुस के नहीं देखिया, कभी जाने का मौका ही नहीं मिलया। पहली बार गया तो पहली बार स्पीकर के नाते मैं उत्थे काम करने का मिलया। बाकी पार्टी में चेंज का नियम है, कोई भी सरकार हो पीडीपी च नहीं देखने को मिले सू। बीजेपी ने क्यों नहीं है तो क्यों उस वेले जो कठुआ गैंगरेप इशू चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट से सवाल उठ रहे हैं, उस वेले लगता कि पार्टी का स्टैप जो ठीक रहा? फिर नहीं, पार्टी ने मौका दिता है और जिस तरह परसैप्शन एक थोड़ी चेंज हुई बीजेपी के बारे में, तो साढ़े दो मंत्री चाहे चौधरी लाल सिंह सन चाहे चंद्र प्रकाश गंगा सन, अपने आप अस्तीफा दिता तो पार्टी ने उसको सराया। तो उस तो बाद क्योंकि 2019 के इलेक्शन मद्देनजर देखते हुए तो उन्होंने पार्टी ने मैं एक मौका दिता है, मैं लगता है कि इस विश्वास को मैं बरकरार रखांगा और 2019 पहले तो वध सीटा लैके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या साले अध्यक्ष अमित शाह जी की गोदी रखांगा। पीडीपी तो बीजेपी 2019 जनता विचकार इकट्ठे जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रणनीति बनेगी जम्मू के वड्डे नेता हो की तुहाडी फीडबैक की है, तुसी अपने लीडरशिप तक की पहुंचा रहे हो? असी जिहड़ा समझौता किया सी वो तो ऐसा है कि असी आफ्टर इलेक्शन ऐसा है कि जिहड़ा मैंडेट जम्मू विच मिलिया जम्मू खिते विच उहदे च बीजेपी नूं ते पीडीपी नूं वैली च मिलिया, ते उस सारे नूं देखदिआं होइआं 3 महीने सानू इस चर्चा च सरकार बनने टाइम लग्या, फिर अखीर च डिवेलपमेंट के मुद्दों लै करके तो असी अगे वधे हाँ। तो मैं लगता है कि पीडीपी का अपना जिहड़ा ज़्यादा आधार है वो कश्मीर वैली च है, तो साडा जम्मू च है। असी पिछली बार लद्दाख की सीट भी जीती, असी घट्टो घट 6 विचों मोर दैन 50% असी साडी कोशिश रहेगी कि इकट्ठे का हजे सस्पेंस अजे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
जिस तरह आप देख रहे हैं गल की पहली च पीडीपी का आधार है वह हजे भी आप देखते हैं जम्मू के आप जो आम तौर पर जो चर्चा है वह कितने ना कि जम्मू च बीजेपी जी है कहते स्ट्रोंग नहीं रह पाई जिनी पीडीपी होर स्ट्रोंग होगी डिवेलपमेंट के जरा जिन्ना पैसा सगा वो कश्मीर वैली वाल गया उन्ना जम्मू वाल नहीं आया जो उत्थे 10,000 जा रहा है तो पांच हज़ार दिता जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है नुकसान तो नहीं होगा मैं जानकारी वास्ते मैं जदों आंदा ही कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जोड़े हुए ने 25,000 करोड़ रुपया किशन गंगा पक्कल डूल प्रोजेक्ट आली प्रधानमंत्री जी ने दिता है वो अधिकांश जो पैसा है वो जम्मू च लगने वाला है रिंग रोड्स जम्मू भी बन रही है श्रीनगर भी बन रही है दोनों की लेंथ 58 किलोमीटर है इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट ठीक है ज पुरानी सरकार वैली नूं ते जम्मू नाल हमेशा भेदभाव भरी नीति रही है डिस्क्रिमिनेशन रही है असीं उहनूं मन्ने आ लेकिन असीं चाहते हैं कि तीनों खितों का बराबर विकास हो किसी भी नाल जाति ना की जाए वैली के हालात की गल करिए इस वेले रमजान लैके जी सीजफायर किया गया है उस दौरान तुम इस किमें देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि सक्सैसफुल रहना चाहिए अगे भी थोड़ी जानकारी वास्ते असी तो चाहते हाँ कि सीजफायर हमेशा ले रहे इनू सीजफायर का नाम नहीं दिता सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है जी सीजफायर होंगे दो कंट्रीज के होंगे ना कि मिलिटेंट्स नाल इस तरह का कोई समझौता नहीं साड़ी गोली एक धर्म का आदर करदे हो अदों गोली नहीं चलेगी लेकिन उदों गोली आएगी तो 10 गोलियां जवाब दिता जाएगा इस तरह की साड़ी सोच जो यूथ है कश्मीर के पत्थरबाज बन रहे हैं की कारण हुण तक बीजेपी गवर्नमेंट की कर चुकी है कि उन्होंने सही रस्ते ते लिया अजिहा माहौल होर खराब ना असी बड़ी लिबरल नीति रखी है असी जम्मू कश्मीर के जो यूथ से ये उम्र जी 15 से 20 साल की उम्र है पहले बिगड़न की उम्र होंगी है उस बच्चे को किसी भी पास जिस तरह तुम कच्चे घर में जिस तरह भी चित्रकारी कर लो वो पक्न तो उस तरह अमट रही है तो असी उ कि एक बार वन टाइम उन्होंने एमनेस्टी दी कि छड़िया जाएगा लेकिन दोबारा कोई करेगा तो अज भी बच्चों को समझ आ रही है माता पिता की अपील के नाल कई बच्चे मिलिटेंसी तो वापस आ रहे हैं तो अज पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई सी जिदे विच कि गिलानी शबीर शाह यासिन मलिक ते उमर जिहड़े उन्होंने घर गए सन तो उन्होंने उन्होंने पुट्ठा जवाब दिता कि तुहाडे कारण ही तुसीं अपने बच्चों को उच्चा पढ़ा रहे हो तो साडा भविख्या खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो वह चीज़ा मैसेज जाएगा लेकिन साड़ी सरकार है जिन्होंने सारे जो हुरियत के लीडर्स ने इन्हों नकेल कसी है तो एन आई ए के माध्यम नाल इन्हों अज चीज़ा बदल रही हैं मैं मीडिया का भी कितना कितने दोष है जम्मू कश्मीर 22 जिले हैं और 22 जिलों जम्मू के 10 जिले सारे ठीक ने 2 जिले लद्दाख के सारे ठीक ने लेकिन साउथ कश्मीर नू पूरा कश्मीर नहीं दिखाया जा सकता कुछ जो फॉरन सपोर्टेड जो ऐसे चैनल हैं वो इस तरह की करते हैं जिद करके पूरा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब है इस तरह की कोशिश किस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए है क्योंकि मैं पिछले साल मैं भी उत्तर श्रीनगर रहा गल कर रहे जो बच्चों की 15 साल मैं देखिए कि उत्तर 10 साल तक का 7-8 साल के बच्चे भी आजाद कश्मीर की मांग कर रहे हैं पत्थर मारने शुरू हो गए किस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए माध्यम पत्रकारों को कहना चाहवागा कि सच नूं दर्शाने की कोशिश करो ना कि झूठ नूं दर्शाने की कुछ लोग अपने मफाद वास्ते अपने फायदे वास्ते इस तरह का मुझे मैं लगता कि असी अपने देश नाल अपने उस इलाके नाल जाति कर रहे हैं तो एक जुम्मेवारी भरा रवैया उन्हों का पत्रकार का रहना चाहिए है बीजेपी की राजनीति आप जो हम गल रिपोर्टिंग करते हैं जो बीजेपी वादा कर रही है या जो बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लैके शुरू तो राजनीति रही है आर्टिकल 370 हटाने की मंग हमेशा बीजेपी करती रही है हूँ तुहाडी सरकार है 3 साल हो गए हैं 3 साल होर रह गए हैं ये मुद्दा कित्थे है इस वेले ऐसा है 370 अज भी साडे जहन विच है एक दिसंबर हटाई बीजेपी जैन सारे वर्करां दे जैन विच जरूर है पर इंप्लीमेंटेशन मैं तुहाडी जानकारी वास्ते 1 दिसंबर 2013 की रैली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वेले प्रधानमंत्री नहीं बने सन पहली बार वैष्णो देवी जाने का मौका उन्होंने मैं मिलिया सीगा ते जिहड़ी गल उन्होंने रैली उस वेले कही सी कि 370 विच अगर कोई अच्छी गल है जो कि स्टेट के हित विच है तो तुम अपना सकते हो इस पर चर्चा होनी चाहिए है जो गलत चीज़ा उन्होंने हटाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने सेंटर भी जोड़े फालतू के कानून सन उन्होंने हटा दिता अज भी असं इतने चर्चा करने तैयार हाँ लेकिन बिना जी चीज़ अज अनइंप्लॉयमेंट का कारण मेन 370 है लोग बाहर आके इतने इंडस्ट्री नहीं लगाते और अज भी जो सा बच्चे साहर ने बुजुर्गों के शहर बन रहे हैं
क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है बच्चों कोई बंगलोर जाता उत्थे रह जाता है पुणे जाएगा उत्थे रह जाएगा तो बॉम्बे जाएगा उत्थे रह जाएगा इस तरह का एक माहौल बन रहा। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहना कि सब तो पहले अमन चैन असी कश्मीर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग ने जो कश्मीर की अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा। अगले सवाल आप चलते हैं, अहम सवाल है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो जा रही है इस महीने तो, पिछले साल एक दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया, इस बारी तुहाडी सरकार वालों श्राइन बोर्ड वालों की इंतजाम ने सिक्योर रहे लोगों च डर ना रहे और अमरनाथ यात्रा सक्सैसफुल रहे। तुहाडी जानकारी वास्ते सत्त नूं ही साडे देश दे गृह मंत्री आए सन, पूरी आई बी आर्मी पुलिस या सीआरपी बीएसएफ सारे दी एक सांझा बैठक सी उते रिव्यू किया गया सी कि अमरनाथ यात्रा चो कोई कशना है पहले नाल बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो मैं लगता है कि कुछ नवे तुहाडी जानकारी होवे कोई कुछ नवा तरह का लोग जो यात्री जाना है कुछ नवे इंतजाम हो या श्राइन बोर्ड की पहली बार देख रहे हो पहली बार हो कि 60 दिन की यात्रा की जारी कि 2015 के आसपास सिर्फ 28 दिन की यात्रा कर दी गई थी एक 60 दिन की यात्रा और हर रूट से पूरे प्रबंध हो आर्मी भी इनवॉल्व किया गया है बी एस एफ इनवॉल्व किया गया है बाकी सिक्योरिटी फोर्सिस है वो इस बार सिक्योर रहेगी साढ़े माध्यम जो यात्रा करना चाह रहे हैं उन्होंने मन च इस बार भी डर जरूर होगा जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का जो यात्रा करना चाहते हैं अमरनाथ मैं उन्होंने अपील करना चाहना हाँ तो पूरी सुरक्षा फराहम की जाएगी और बेफिक्र होकर आओ और भी कोई हो डायरैक्ट नंबर मैं लोगों को माध्यम अपना नंबर दे रहा कोई भी गल हो मैं मैसेज करो असं उन्होंने पूरी चिंता करांगे। असीं जम्मू की राजनीति की गल करिए हुणे ई वे बिल शुरू होया दो दिन पहला उत्थे व्यापारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ई वे बिल तो शुरू कर दिता गया केंद्र सरकार वालों पर 8-8 घंटे उत्थे बिजली नहीं है। तुसीं मेयर भी रहे हो जम्मू के हालात नाल तुसीं जम्मू सिटी के हालात नाल जानू ज़्यादा लोगों के इदां अजिहे मुश्किलां भी आ रही ने। देखो केंद्र सरकार वालों नवीं चीज़ां तो शुरू हो गई पर इंप्लीमेंटेशन से यह औख आ ही रही है चाहे वह जीएसटी की मीटिंग हर महीने होंगी है तुसीं जानते हो कि जो मुश्किलात आदि लगातार लोगों के हिसाब नाल उस कानून बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि इस सरकार तो लिबरल सरकार कोई भी नहीं है तो जो भी जीएसटी मुश्किल कोई भी चीज़ शुरुआत जो की जाती है तो उस दौरान मुश्किल आदि हैं तो लेकिन एक सच्चे मन नाल और साफ सुथरे लोगों का साथ लैके इस लागू किया है। प्रधानमंत्री ये सोचते वोटों की राजनीति असी कर रहे होंगे तो उन्होंने कभी इस तरह के कड़े कदम नहीं लाने चाहे वो डिमोनेटाइजेशन होए चाहे दूसरे जीएसटी का मुद्दा होए लेकिन अज लोगों को कॉन्फिडेंस देश वास्ते सोचा जाए असी सरकार चलाने वास्ते पैदा नहीं होए ना सरकार चलाने वास्ते देते हैं अभी देश चलाने वास्ते देश अगे वधे यही सानू चिंता है। आखिरी सवाल बैटर सीएम तुहाडी नज़र च कौन सीगा मुफ्ती मुहम्मद सईद या महबूबा मुफ्ती इस वेले काम जो कर रहे हैं दोनों फर्क की गल देखो पोलिटिकल तुहाडी अपनी निजी राय की है। मैं ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब का एक लाइफ का बहुत बड़ा विजन सीगा उन्होंने काफ़ी देर राजनीति च गुजारे और विजनरी एक आदमी सी बाकी कोई भी है चाहे मैं आवांगा या दूसरा कोई आएगा उन्होंने सीखते टाइम लगता है लेकिन आदमी वक्त के थपेड़िया नाल अगे वधदा है वो तो एक्सपीरियंस जिहड़ा उन्होंने है वो अगे लैके जाता है किसी भी चीज़ वास्ते पत्थर ताइयों गोल होता है जो बार बार वो इधर महबूबा मुफ्ती नूं सिखण च टाइम लगेगा जी सिख रहे ने या सिखण च शी इज डूइंग वेल अच्छा कर रही है लेकिन असी साडी कोशिश है कि असी टीम वर्क करके जे कोलिशन है तो सचमुच कुछ कोलिशन ना होना वाला कोई गलती चल रहा है ना साडे अलायंस बढ़िया चल रहे हैं जदों भी अलायंस ठीक चलेगा 6 साल सरकार पूरी चलेगी जिथे भी कोई गलती होवे बिल बैठ करके उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी यही कोलिशन का धर्म है जी। गुप्ता जी साडे नाल गलबात करन लई बहुत-बहुत धन्यवाद। ए सन जम्मू कश्मीर दे डिप्टी सीएम जिन्हों का दावा है कि अमरनाथ जो यात्री इस बार अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं उन्होंने बिना डरे अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए और दावा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार के इंतजाम ने वो बिल्कुल सही ने और दूजे पास भी दस रहे हैं कि पीडीपी बीजेपी का अलायंस जो है हूँ तक ठीक चल रहा है पर 2019 इनू लैके सस्पेंस जरूर है। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।